हमारे साथ एक और खास मेहमान हिमांशु कुमार भी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी, लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहूंगी राघवेंद्र सिंह आपका। पीएम मोदी आपकी बार हैट्रिक पार प्रश्न नहीं है, सर ये है इसमें आप 80-80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं और माननीय मोदी जी का जीत का अंतर कितना हो। अच्छा देखिए, ये लोग चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, ये लोग सिर्फ ताल बजाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। भाई ये बताइए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आपकी विश्वसनीयता कितनी है? इनके जवान बंद हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के मात्र 2 विधायक, एक भी सांसद नहीं है आज की तारीख। इसी के परिणाम तो उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव के 3 सांसद उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में, जब से अखिलेश यादव ने माननीय मुलायम सिंह यादव ने जब मुख्यमंत्री बनाया था उसको बाद से आज तक कोई उनका पॉजिटिव असर नहीं रहा, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो, पूरी हार हारवाई, 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी हारे, 2019 में हारे, 2022 की विधानसभा में हारे, उसके बाद अभी आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुए हारे, नगर निकाय हारे, ग्राम पंचायत 2-2 बार हारे, और ये तारीख में चाहे कांग्रेस के नेता हो तो समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे और हमें प्रमाण कांग्रेस की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप अपने बारे में बताएं, पहले आप पीएम मोदी के कार्य के बारे में बताएं। यहाँ पर काशी की धरती पर ये जो लोगों की कृतज्ञता दिखाई दे रही है पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति, उनका ये जो प्यार दिखाई दे रहा है, उमड़ रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति, ऐसा मोदी जी ने क्या क्या यहाँ पर किया बताएं जरा, क्यों लोग इतना स्नेह इतना प्रेम दिखा रहे हैं उनके प्रति? नहीं देखिए, माननीय मोदी जी ने काशी में या उत्तर प्रदेश में विकास के नए नए आयाम स्थापित, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी, इनकी डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए, सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए। देश को माननीय मोदी जी ने 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। हम लोगों ने 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के समय अराजकता हुआ करती, इस प्रकार से गुंडागर्दी हुआ करती थी, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ करता था, हम लोगों ने काम करने का काम किया। हम लोगों ने आज की तारीख में आंकड़े में बता रहा हूँ, हम लोगों ने लगभग 6 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को नौकरी के विषय में घेरते हैं, कितना रोजगार दिया। समाजवादी पार्टी के समय 17.5% बेरोजगारी दर थी, ये CMI के आंकड़े हैं। आज की तारीख में 3.5% बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की है। ये लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अटैक करते हैं, उसका भाग जाते हैं। किसी विषय में उससे चर्चा करा लीजिए, शिल्पी जी किसी विषय में, लेकिन उसमें इनको रुकना पड़ेगा, उसमें लंबी चर्चा करें। वास्तविकता ये है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो है विकास के